सीरीज शुरू हुई थी सब्जेक्ट को रिव्यू करने की कि रिवीजन कैसे करते हैं, तो उसका आज दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल। तो देखिए मैं बताता हूँ बिल्डिंग मटेरियल में क्या करना होता है, क्या पढ़ने पे आएंगे तो बहुत बड़ा होता है सब्जेक्ट, आप भी जानते हैं इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो एक टेक्निक से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जिसपे जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा ध्यान देना, किसी पे कम देना ध्यान देना है, सब पे बराबर एनर्जी नहीं देनी है, एनर्जी को बचा के चलें ताकि स्मार्ट वर्क की तरह इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क मेरे ख्याल से अवॉइड ही करें तो बढ़िया, टाइम कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कंपटीशन क्रैक करने वाले, तो ध्यान रखिएगा। तो चलो कोशिश करते हैं। तो यार देखो सीमेंट यार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप करना ही है, टाइप्स ऑफ सीमेंट बहुत ज़रूरी आते हैं आजकल, सीमेंट के टेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें हैं और इसमें सीमेंट के इंग्रेडिएंट वगैरह ये सब आपको ज़रूर करना है, सीमेंट को मतलब नहीं छोड़ना है। और उसके सीमेंट से ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो होता है कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टेस्ट कॉन्क्रीट के, कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट्स, कॉन्क्रीट की आपकी जो होता है ना मिक्स जो डिज़ाइन होता है वो, और स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक से ये तो आपको करनी ही करनी है चीज़ें, है ना। तो कॉन्क्रीट में आपको फोकस करना है, पूरा ही करना है कॉन्क्रीट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं। तीसरा होता है टिम्बर, टिम्बर में भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, चाहो तो वो जो एंड में आता है ना प्लाई बोर्ड, बैटन बोर्ड और ये जो होते हैं, इन बोर्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज टेस्ट प्रिवेंशन ऑफ टिम्बर, टेस्ट ऑफ टिम्बर, ठीक है, और इसकी आपकी आती है ना ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर, ये तो ज़रूर करनी है चीज़ें। हाँ बस बोर्ड वाले में थोड़ा सा कम ध्यान देना। और उसके बाद है आपका एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स पे थोड़ा लाइट रख सकते हो, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट देख लो इतना बहुत है, स्टोन को नहीं छोड़ना है, स्टोन बहुत ज़्यादा यार, स्टोन को मत छोड़ना, स्टोन को पूरा पढ़ना है पूरा। वो भी आजकल पूछने लग गए हैं कि बताओ कि डेप्थ कितनी होगी तब स्टोन कौन सा होगा, वो होता है ना प्लूटोनिक और वॉल्केनिक और ये हैप्पी वेसल, तो ये तो आपको करनी करना है, स्टोन को आप करना। हाँ इसमें वो छोड़ सकते हो ब्लास्टिंग, क्वेरिंग, ये सब वगैरह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये ज़्यादा पूछा नहीं गया है कभी। उसके बाद आते हैं तुम्हारे ब्रिक्स और ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी में खाली आप मेसनरी टाइप्स ऑफ मेसनरी है, जैसे कि आपके बॉन्ड कौन से होते हैं मेसनरी में, ये आप कर सकते हैं। ब्रिक्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं छोड़ने लायक है, ज़्यादा करो तो हॉप जो आता है ना आपका टाइप्स ऑफ किल्न, हॉप मैन और ये जो होते हैं आपके नेचुरल, तो इसमें दो दो लाइन तो पढ़ के जाओ कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों को अगर करें तो कौन सा प्रेफर करेंगे और कौन से इसमें, तो एक बार रीड करो, बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं छोड़नी है यार, कुछ भी नहीं छोड़नी होती। हाँ ये फ्लाई एस ब्रिक वगैरह ये सब थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं छोड़ना, टेस्ट करना है ब्रिक के और प्रॉपर्टी ब्रिक की, है ना, और इसके जो के सीजन कौन सा होता है, स्टेप्स जो होते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मोर्टार और लाइम, लाइट करना है मोर्टार में, जैसे कि आजकल ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि आपके गेज मोर्टार क्या होती है और लाइम में लाइम मोर्टार क्या होती है। लाइम में एक टाइप्स ऑफ लाइम होते हैं, फैट लाइम, लीन लाइम, में ये जो होते हैं इनको आप ज़रा एक बार देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10 मिनट में चैप्टर इसको ख़त्म करना है तुम्हें, ठीक है। लाइम का मोर्टार में टाइप्स ऑफ मोर्टार मैंने बता ही दिया, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन है कि बताओ कि अगर तुम्हारी मेसनरी चल रही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो आप कौन सी उसमें मोर्टार की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उसकी जो ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ के बराबर रहेगी उससे कम है, तो ये एक सिंपल सा है, बराबर ही रखें भाई, ज़्यादा और कम क्यों रखने वाले हैं ना, तो ये देख लेना इसमें आता है मोर्टार में, यही दो तीन क्वेश्चन है। और खास है स्टोन तो यार बिल्कुल ही करना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टोन को आपको बिल्कुल रियायत नहीं कर सकते, मतलब के उसके जो क्लासिफिकेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केमिकली, है ना, फिजिकली, इन सबको आपको देख लेना है स्टोन को। उसके बाद आता है डोर्स एंड विंडोज़, क्या ज़रूरत है पढ़ने की बताओ, है कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ गया कि डॉर्मर विंडो क्या होती है, वेंटिलेशन विंडो क्या होती है, है इसको लाइट से जब आपको न्यूमेरिकली मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें विंडो वाला जो पार्ट आएगा, या गुप्ता है, गुप्ता है या और कोई खुरमी उर्मी की जो बुक है उसमें थोड़ा सा विंडो का दे रखा है, उतना कर लो काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो वो इतना देख लेना है डोर्स का। हाँ एक काम ज़रूर करना आप, कहीं या इंटरनेट से एक इसका एक स्केच आता है डोर का पूरा फ्रेम का जो है ना, उसमें लिखे होंगे कि ये जो हॉर्न क्या होता है, जैम क्या होता है, ठीक है, चैनल क्या होता है, ये सब चीज़ें एक बार देख लेना बस, इस यही डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभार कि वर्टिकल मेंबर को पोस्ट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर को, मिडिल मेंबर को मिलिन कहते हैं, ये सब चीज़ें बस बेसिक डेफिनेशन है, ये नहीं कि भैया डिटेल में ही पढ़ने लग गए तुम के डोर्स पढ़ लेते हैं, इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करो, नहीं करनी ना। स्टेयरकेस बेसिक सी चीज़ है कि मतलब लैंडिंग में 12 स्टेप्स होती हैं तभी लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी यूपीए में कि बताओ
के स्टेप्स की जो हाइट होती है, स्टेप की जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो 150 होती है मेरे ख्याल से, कभी कभार 200 भी होती है, वो अब 200 कब होती है वो आपको देखना है। इसमें ये मैं बता रहा हूँ क्या इसमें ध्यान देना है आपको, टाइप्स ऑफ स्टेप्स और स्टेयर्स। एक और इसमें चीज़ आती है कि टी प्लस आर इक्वल टू कितनी होती है वैल्यू, है ना, वो एक रिलेशन है वो देख लें, उस पर क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्टेक इसमें इतना बहुत है। फ्लोर्स यार मत करना, स्टील और गिलास ये भी नहीं करना है, पेंट और वर्निश इसको जरूर करना है। जेई वाले, एई वालों की मैं नहीं कह रहा हूँ, एई वाले अवॉइड कर सकते हैं, जेई वाले इसको जरूर करें, पेंट एंड वर्निश को तो करना ही करना है आपको बहुत अच्छे से। ये मेरे पास मेरे नोट्स हैं इसकी, मैं शेयर कर दूंगा आपको, मैं बहुत अच्छे से इसको लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, SSC JEE में भी आते हैं और JEE के किसी भी एग्ज़ाम में पेंट और वर्निश आता ही है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, तो इसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, छोटी सी जैसे कोई टॉपिक छूट जाता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्शन जो होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कुछ टॉपिक होते हैं वो इसमें कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देते हैं, शटरिंग हो गया, अंडरपिनिंग हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस में जो काम, शोरिंग हो गया, ये बेसिक सी डेफिनेशन। देखो मेरी बात आप समझिए, आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि भैया कैसे लगाओगे ये बल्ली या वो, है ना, रॉड वगैरह, या शटरिंग कैसे लगाते, कुछ नहीं पूछ, बस ये पूछेंगे शटरिंग होता क्या है, तो बता देना यार शटरिंग क्या होता है। फिनिश करने के लिए हमें, जब हम मोल्ड करते हैं कोई भी कॉलम या कोई भी बीम, तो हम उसको जब हम कास्टिंग करते हैं तो उसको शेप में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो शेप में रखने के लिए जो प्लेट्स यूज करते हैं उसको शटरिंग कहा जाता है, रिटेन करने के लिए। शोरिंग क्या होता है, एक टेम्प्रेरी सपोर्ट होती है किसी मेंबर के लिए। ये छोटी-छोटी अंडरपिनिंग क्या होता है, फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए, एक और फाउंडेशन लगाते हैं एग्जिस्टिंग फाउंडेशन में, तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरी है। तो यही है बिल्डिंग मटेरियल में, इस तरीके से आपको करना है, बेसिक जो ध्यान रखना है सीमेंट कंक्रीट स्टोन टिम्बर पे, ठीक है, ब्रिक पे भी, तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से करिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट को जल्दी कवर करेंगे।